सबसे ज्यादा विफल प्रधानमंत्री का अगर सूची तैयार होगा तो ये सबसे निचले पैदान पर रहेंगे। G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही है, देश का भी समय बर्बाद कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूँ आपके साथ पूजा। दिल्ली में चल रही G20 समिट के पहले दिन भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया, जहां दुनिया भर के 20 शक्तिशाली देशों की राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की जमकर तारीफ की, तो वहीं भारत के ही एक प्रदेश के मंत्री को यह सिर्फ समय की बर्बादी लग रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी की। तो आइए आपको बताते हैं क्या कहा मदन साहनी ने। दरअसल दिल्ली में चल रहे G20 समिट के पहले दिन हाई प्रोफाइल डिनर के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया था, जहां ज्यादातर राज्यों में इसको लेकर कोई विवाद नहीं हुआ तो कुछ राज्यों में विवाद चरम तक पहुंच गया। वैसे सभी विवादों के बावजूद डिनर हुआ जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बिहार की ओर से सीएम नीतीश कुमार ने भी इस डिनर में शिरकत की, तो वहीं इस डिनर में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। नीतीश कुमार का इस डिनर में शामिल होना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि लगभग एक साल से अधिक वक्त के बाद वे ऐसे किसी कार्यक्रम का हिस्सा बने जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहे। इन सभी बातों के विपरीत नीतीश कुमार के ही एक मंत्री इस पूरे समिट को समय की बर्बादी बता रहे हैं। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने G20 समिट को समय की बर्बादी बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल सबसे असफल रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल का आकलन करें तो देश के अब तक के सबसे विफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही साबित होंगे। मदन साहनी ने आगे कहा कि G20 समिट हो या प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा, पीएम अपना तो समय बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ पूरे देश का भी समय बर्बाद करते हैं। अभी तक तो माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश और विदेश घूमते रहे, फायदा के नाम पर तो हम लोग जीरो समझते हैं। उनका जो अगर हम लोग आकलन करें 9 साल का, तो हमको नहीं लगता है कि अब तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा विफल प्रधानमंत्री का अगर सूची तैयार होगा तो ये सबसे निचले पायदान पर रहेंगे। इसलिए हम लोग को लगता है कि G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।